वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों वैश्विक राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल ग्लोबल लेवल पर दो शक्तिशाली देश चीन और रूस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बीते दिनों पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए चीन का चुनाव किया। वहीं शी जिनपिंग ने भी मार्च 2023 में तीसरे कार्यकाल के लिए चीनी राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद रूस को ही अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुना था। इन पारस्परिक यात्राओं को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी के तौर पर देखा जा सकता है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिरकार क्यों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं चीन और रूस। इसके साथ ही रूस चीन की बढ़ती नजदीकियों का वैश्विक भू राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, वहीं रूस चीन संबंधों का भारत संघ रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। चीन एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसकी सीमाएं 14 देशों से मिलती हैं, जिससे यह विश्व में सबसे अधिक पड़ोसी देशों वाला देश बनता है। वो बात अलग है कि अधिकतर पड़ोसी देशों के साथ चीन के संबंध तनावपूर्ण हैं। वहीं दूसरी तरफ दो महाद्वीप में फैले देश रूस की बात करें तो यूरोप के फिनलैंड से लेकर एशिया के जापान से यह अपनी सीमाएं साझा करता है। वहीं दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की बात करें तो साल 1950 में इसके बीज पनपे थे, जब चीन और सोवियत संघ ने मित्रता, गठबंधन और पारस्परिक सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बीते दशकों से चली आ रही दोस्ती को शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने नया आयाम दिया है। वहीं बीते दिनों व्लादिमीर पुतिन ने पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद पहली विदेश यात्रा के लिए चीन पहुंचे। व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दिए जाने के 75 साल पूरे होने के जश्न में भाग लेने के लिए चीन गए थे। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सैन्य शक्ति, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और द्विपक्षीय व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इन सबके बीच रूस और चीन के संबंधों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और शी जिनपिंग के संबंधों में तेजी आई है। गौरतलब है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, तब चीन ही रूस की मदद करने आगे आया। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। साल 2021 में चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 146.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर साल 2022 में 190.3 बिलियन डॉलर और 2023 में 240.1 बिलियन डॉलर हो गया है। इसने रूस को एक अनिवार्य निर्यात आउटलेट और राजस्व धारा प्रदान की। इसके साथ ही रूस चीन का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद साल 2023 में चीन के लिए उसके तेल शिपमेंट में 24% से अधिक की वृद्धि हुई है। मौजूदा समय में चीन रूस साझेदारी में रूस स्पष्ट तौर पर जूनियर पार्टनर बन गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन एक ओर रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है तो दूसरी ओर चीन ने रूस से प्राकृतिक गैस के आयात में 50% का इजाफा कर दिया है। रूस के आर्कटिक गैस फील्ड यमाल से मंगोलिया के रास्ते एक गैस पाइपलाइन चीन पहुंचेगी, जो दूसरी सबसे लंबी गैस पाइपलाइन होगी। इसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 का नाम दिया जा रहा है। रूस के साथ चीन ऊर्जा साझेदारी के जरिए ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है और यह रणनीतिक साझेदारी के लिए बेहद अहम है। जाहिर है कि एक दूसरे के इन प्रयासों से ही चीन रूस संबंध दृढ़ता से विकसित हो रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ दुनिया के कई देश रूस यूक्रेन युद्ध पर दो धाराओं में बटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ चीन आधिकारिक तौर पर रूस का समर्थन तो नहीं करता है, लेकिन उसके विरोध में भी उसने अपनी आवाज बुलंद नहीं की है। चूंकि रूस और चीन की वर्चस्व की लड़ाई अमेरिका से है, ऐसे में चीन अमेरिका के खिलाफ अपने सहयोगी के रूप में रूस को देखता है। वहीं इस साझेदारी का असर कहीं न कहीं भारत रूस संबंधों पर भी दिख रहा है। गौरतलब है कि चीन भारत के साथ रूस के संबंध को सीमित कर सकता है। भारत और रूस के रक्षा संबंधों में भी
चीन बड़े बदलाव कर सकता है, क्योंकि हथियारों के मामले में स्पष्ट रूप से चीन रूस के लिए भारत की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण ग्राहक है। यही वजह है कि रूस अपने कुछ ज्यादा उन्नत प्लेटफॉर्म चीन को तो बेचता है, लेकिन भारत को नहीं बेचता। इसमें सुखोई 35 लड़ाकू विमान S-400 सिस्टम भी शामिल हैं। हालांकि चीन को बेचने के कुछ साल बाद रूस ने S-400 सिस्टम भारत को भी निर्यात किया। जानकार बताते हैं कि रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल को कई वर्षों तक किसी भी देश को नहीं बेचा गया है, जबकि दुनिया के विकासशील देश इसे खरीदना चाहते हैं। इस बारे में कहा जा रहा है कि रूस किसी भी ऐसे देश को मिसाइल बेचने का इच्छुक नहीं था जो चीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल चीन और रूस अपने संबंधों को नया आयाम दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को लाभ पहुंचाने से अधिक वैश्विक भू राजनीति में दोनों देश एक दूसरे के माध्यम से अपना हित साधने में जुटे हैं। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच 10 वर्षों के लिए एक समझौता हुआ है। यह समझौता 10 साल के लिए चाबहार स्थित शाहिद बेहिस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किया गया है। यह समझौता 2016 में हस्ताक्षरित मूल रूपरेखा समझौते को औपचारिक बनाता है। इस समझौते के अनुसार IPGL चाबहार बंदरगाह टर्मिनल को सुसज्जित और विकसित करेगा। इसका उद्देश्य भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करना है। भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंध बेशक तनावपूर्ण है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 118.4 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेरिका है। हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त अभ्यास तरकश का आयोजन कोलकाता में हुआ। वहीं इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2023 में चेन्नई में आयोजित किया गया। यह भारत अमेरिका के मध्य आतंकवाद विरोधी अभ्यास का 7वां संस्करण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिकी विशेष अभियान बलों के बीच आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में शहरी आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में गहन प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल शामिल थे। इसका उद्देश्य आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने से संबंधित मामलों में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग में सुधार करना है। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। वैश्विक स्तर पर हुए बदलाव को देखते हुए चीन और रूस के संबंधों की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।